बढ़ते हैं जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में आवासन मंडल की ओर से बनाई गई दुकानें सामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई हैं। दरअसल इस सेक्टर में आवासन मंडल ने मकान बनाए जो कि सारे बिक गए। सब्जी मंडी भी बनाई लेकिन लोगों ने अवैध तरीके से अपने घरों में ही दुकानें खोल ली, जिससे सब्जी मंडी की दुकानों में ग्राहक नहीं पहुंचते और ये खाली पड़ी हुई है, जिससे अब इन दुकानों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके की जो तस्वीरें हैं, फिलहाल प्रशासन पर खुद ब खुद सवाल या निशान लगाती है प्रशासन की कार्यशैली पर, क्योंकि असामाजिक तत्वों का एक तो जमावड़ा लगा रहता है और दूसरी ओर लोगों ने अपने घरों में ही दुकानें खोल ली थी, जिससे इलाके के जो हालात है वो खुद ब खुद सबके सामने। पूजा, मैं बताना चाहूंगा जोधपुर का ये हाउसिंग बोर्ड एरिया है जहां 21 सेक्टर में ये दुकानें जो है आवंटित की गई थी, लेकिन आज ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुकी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं बच्चे होंगी, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से आप लोगों को यहां असुविधा होती है और ये मंडी जो आवंटित की गई उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। ये तो नाम के रूप पे मंडी है, सब्जी मंडी, यहाँ पे कुछ सब्जी मंडी जैसा सब्जी की कोई चीज नहीं है, बदनाम एरिया हो चुका है। यहाँ पे स्मैक पीने वाले, दारू पीने वाले सबका अड्डा बन चुका है। शाम पड़ते ही ऐसा माहौल हो जाता है, यहाँ से लड़कियों का, महिलाओं का गुजरना मुश्किल हो जाता है। वहां से जाकर के देखना पड़ता है, बच्चे यहाँ से नहीं जाना, आप आगे से होके जाना। यहाँ पे रोज के झगड़े होते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन पुलिस का आना होता ही होता है। और कचरे का तो ऐसा माहौल हो रखा है यहाँ पे, जब बीमारियां फैलती हैं, इंसान तो इंसान, जानवरों को भी परेशानी हो रही है, वो भी सारी थैलियां कूड़ा करकट खा खा के बीमार पड़ रहे हैं। किस तरह से आप लोग निकलते हो यहाँ, आप लोगों को कितना भय लगता है यहाँ पर शाम के वक्त? एक्चुअली यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, इस तरह से घूरते हैं, हमारी इच्छा होती है यहाँ से जाए ना, मम्मी बोले तो क्या, वो बात अलग है, हमको भी यहाँ जाने से इच्छा नहीं होती, एकदम आगे से घूम के जाएंगे या फिर वहां से बॉटम, वहां से यूज कर ही नहीं रहे रास्ता। और हमारे भाई वगैरह भी जाते हैं, हमको देख के अच्छा नहीं लगता है कहाँ से गुजर रहे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग और हैं। वकील साहब, आप बताएं किस तरह से इस हाउसिंग बोर्ड को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए थे, उसके बावजूद भी इस तरह की गतिविधियां कमर्शियल जो घरों में चल रही है और ये जो बनी हुई है सरकार की वो चला नहीं है, लोग असामाजिक तत्व काट रहे हैं। हाउसिंग मंडल द्वारा इसको रोका नहीं जा रहा है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को ये दिशा निर्देश दिए गए थे हाईकोर्ट द्वारा कि जितने भी हाउसिंग मॉडल की जितनी भी जमीनें हैं, जितने भी हैं, उसको कमर्शियल यूज ना किया जाए। इसके तहत आरएसीबी को भी एक आदेश दिया गया था कि जितने भी एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, उनको लीगली जो है उनको बिजली का कनेक्शन ना दिया जाए। परंतु जितने भी यहाँ पर हम देखेंगे हाउसिंग मंडल में, हर एक घर के अंदर एक दुकान मिलेगी आपको, पर्टिकुलर रोका जाना चाहिए था परंतु इस तरह रोका नहीं गया है आवासन मंडल को। और आवासन की उसकी दुकानों की दुर्दशा है, दुर्दशा पूरी उसी के कारण हो रखी है। जितनी दुर्दशा देखोगे आप आवासन मंडल में, आज लाखों रुपए की जमीन है, इसमें बिल्कुल ही स्मैक जो पीने वाले हैं, रात को अड्डा है यहाँ का, और आम पब्लिक तो परेशान नहीं है और रोज यहाँ झगड़े होते हैं। मेरे पास, मैं कई केस हैंडल भी करता हूँ इस एरिए के, तो मुझे पता चलता है कि इसी से एरिया से हुआ। हमें बड़ा दुख है इस चीज का कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिशा निर्देश देने के बाद भी आवासन मंडल कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। पूजा, सबसे बड़ी बात है राजस्थान हाईकोर्ट भी दिशा निर्देश दे चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं कैमरामैन शिव को कहूंगा वो दिखाए किस तरह से ये दुकानें जो है, उस दुकानों के अंदर अभी भी बियर के कार्टून और जो है शराब के पवे जो है, बोतलें है जो पड़ी है, तो कह सकते हैं कि जो प्रशासन की लापरवाही है। और शाम के वक्त तो यहाँ ये हालात हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी आदमी निकल नहीं सकता, गृहिणियां निकल नहीं सकती, बच्चियां निकल नहीं सकती, तमाम वो लोग है जो एरिया में रहने वाले निकलते हुए डरते हैं। तो कह सकते हैं प्रशासन की उदासीनता का पर्याय बन चुका है यहाँ पर ये जो 21 सेक्टर में सब्जी मंडी है, ये इसमें की और शराबियों का अड्डा बन चुका है। पूजा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका। तो आपको बता दें जहां पर हाउसिंग बोर्ड की दुकानें इस दौरान खंड